नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेषांक सभी दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आज इसमें उनका प्रत्युत्तर उनको प्राप्त होने वाला है। नए दर्शक जो अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कुल मिलाकर आज का विशेषांक बहुत सी जानकारियों से भरा हुआ है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, महाराज जी के अनन्य भक्त, बहुत सारे एक ही प्रश्न हमसे पूछते हैं। ज्यादातर जो प्रश्न आता है वह यह है कि मैं इतने समय से बाबा जी से जुड़ा हूं या इतने समय से बाबा जी से जुड़ी हूं, लेकिन फिर भी जीवन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ, या काफी समय हो गया है महाराज जी से जुड़े हुए, अनुभव तो प्राप्त हो रहे हैं लेकिन ऐसा जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया जो कि हमने सोचा था कि ऐसा परिवर्तन आएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से भी पूछे जाते हैं, उन सभी का प्रत्युत्तर इस विशेषांक में आपको मिलेगा। अब होता क्या है, बहुत से दर्शक, बहुत से जन ऐसे हैं जो महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हृदय से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने अटकलें ऐसी आ रही हैं कि वैसी जो एक जुड़ाव होता है, जो एक जुड़ाव की भावना होती है, वह हृदय में नहीं आ पा रही। और जो प्रश्न उठ रहा है मन में कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, जीवन में जुड़ तो गए हैं लेकिन जो हम चाहते थे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, तो ये जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों का एक ही मूल है। वह मूल यह है कि हम हृदय से महाराज जी से नहीं जुड़ पाए हैं। इसका एक ही कारण है कि हृदय से नहीं जुड़ पा रहे हैं। देखिए, हृदय से आप कैसे जुड़ेंगे, पहले आपको इसी के विषय में जानकारी देंगे कि हृदय से कैसे जुड़े। हृदय से जुड़ने का आशय यह है कि हमने महाराज जी के बारे में सुन तो लिया है, हम कैंची धाम के बारे में भी जानते हैं, वृंदावन आश्रम के बारे में भी जानते हैं, महाराज जी के बारे में भी जानते हैं, लेकिन हमने सुना है, पढ़ा है, महाराज जी के विषय में बहुत सारी आध्यात्मिक जानकारी जुटाई है, उसके पश्चात हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटकल आ रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि जब तक हम व्यक्तिगत तौर पर महाराज जी से जुड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको इस प्रकार से समझिए कि कोई मंदिर है जिसके बारे में आपने सुना है, आप वहां जाना चाहते हैं, लेकिन आप घर बैठकर यही कयास लगा रहे हैं कि वहां जाऊं ना जाऊं, कहीं जाने से कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो अटकलें होती हैं ये स्वयं की होती हैं। हम ईश्वर के पास जाना ही नहीं चाहते, हम मन से चाहते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं। और देखिए, जब तक आप किसी भी प्रक्रिया को मस्तिष्क में सीमित रखेंगे तब तक वे प्रक्रिया जब तक धरातल पर नहीं आएगी तब तक वह कार्य नहीं बनेगा। इसीलिए आपकी जो श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा होने के बावजूद भी हृदय से जुड़ाव इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम तैयार नहीं हैं। जब आप जाएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, महाराज जी से मिलेंगे नहीं, घर बैठकर सोचेंगे कि जाएं ना जाएं, होगा या नहीं होगा, भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ऐसे नहीं होगा। सत्य यही है कि नहीं मिलेगी आपको महाराज जी की भक्ति, ऐसे नहीं मिल पाएगी। आपको उसके लिए प्रयास क्या करना है, आपको व्यक्तिगत तौर पर मस्तिष्क से तैयार होना पड़ेगा, हृदय से तैयार होना पड़ेगा। हम भक्ति करते हैं, हम साधन भी जुटाते हैं, श्रद्धा भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। अब देखिए कारण क्या है, कारण यह है कि हम मन में संकोच कर रहे हैं। कल के विशेषांक में, उससे पूर्व के विशेषांक में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मन में संकोच नहीं करना है। मन में यदि संकोच करेंगे, संशय लाएंगे कि होगा या नहीं होगा, भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, महाराज जी को प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न जब तक आपके मस्तिष्क से, हृदय से नहीं हटेंगे तब तक कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। जैसा है ऐसा ही रहेगा। परिवर्तन के लिए मन के प्रश्न व्यक्तिगत तौर पर आपको ही हल करने होंगे। आप मन में सकारात्मकता को लेकर चलिए। इतना मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर विश्वास दिलाता हूं कि महाराज जी को यदि आपने हृदय से पुकार लिया, हृदय से याद कर लिया, हृदय से अपनी मंशा, अपनी बात उन तक पहुंचा दी, तो कोई कारक नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है,
कोई अटकलें नहीं है, कोई अड़चनें नहीं है, सब कुछ सरलता से, बड़ी ही सुगमता से आपको प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी तो बड़े दयालु हैं। महाराज जी की जो विशेषता है वह यही है कि महाराज जी बहुत दयालु हैं। महाराज जी ने जीवन में कैसे कैसे व्यक्ति को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, महाराज जी ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। बहुत से ऐसे जन हैं जो बहुत कुटिल बुद्धि के थे, लेकिन महाराज जी के सानिध्य में आते ही उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। जिनके मन में कैसे कैसे भाव थे, महाराज जी ने कितनों का जीवन परिवर्तन किया है, कितनों का, अनेकों का। जितना हमने घटनाओं में, कथाओं में, कहानियों में सुना है वह तो बहुत बहुत सीमित है, कुछ ही प्रतिशत है। ऐसे असंख्य अनेक लोग हैं जिनके जीवन में महाराज जी ने परिवर्तन किए, जो कि घटनाओं में, कथाओं में हम नहीं जानते। इतने दयालु हैं महाराज जी। महाराज जी का स्वरूप श्री हनुमान जी का है, और हनुमान जी इतने इतने दयालु ईष्ट हैं जिनको महज पुकारने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो आपकी क्यों नहीं होगी? ऐसा क्या किया है आपने? सब कुछ सही हो जाएगा, जीवन में आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। आप सानिध्य में तो आइए, मस्तिष्क से तैयार होकर आइए, हृदय से तैयार होकर आइए, प्रयास कीजिए। महाराज जी व्यवस्था स्वयं करते हैं। महाराज जी कहते हैं जो मेरे समीप आना चाहता है, ईश्वर के समीप आना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, यदि वह 1% प्रयास करता है तो 99% प्रयास महाराज जी करते हैं, व्यवस्था स्वयं करते हैं। कितने सारे अनुभव ऐसे हैं, असंख्य अनेकों अनन्य भक्तों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कईयों ने बात कबूल की है कि हम जाने का प्रयास कर रहे थे, हम मस्तिष्क में सोच ही रहे थे कि कैसे पहुंचे कैची धाम, कैसे जाए वृंदावन, मन में सोचा ही था। सोचने मात्र से उनकी व्यवस्था स्वयं महाराज जी ने कर दी। इतने दयालु हैं। आप प्रयास तो करिए, मन तो बनाइए। जब आप मन बनाएंगे तो आप विश्व के किसी भी कोने में हो, विश्व के किसी भी कोने में, जहां बहुत दुर्गम स्थान हो, आप मन बनाइए, महाराज जी व्यवस्था बना देंगे। व्यवस्था बन जाएगी तो दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, दर्शन प्राप्त हो गए तो भक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिलेगी तो आज जिस प्रकार से मैं आपको कथा सुना रहा हूं, मैं आज आपको महाराज जी की महिमा का गुणगान कर रहा हूं, ऐसे ही आप भी करेंगे, होगा, ये निश्चित तौर पर होगा। आपको विश्वास करना होगा, मस्तिष्क से तैयार होना होगा, दिमागी रूप से सोचना होगा, हृदय से पाने की इच्छा को प्रबल करना होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा क्या किया है अपने जीवन में, कैसे कैसे को महाराज जी ने अपनी भक्ति प्रदान की है। बहुत से ऐसे जन हैं जो खुद ये बात कबूल करते हैं कि हमारे कर्म बहुत खराब थे, हमारा पहले का जीवन बहुत ही दुष्ट था, लेकिन जैसे ही महाराज जी की कृपा प्राप्त हुई, भक्ति प्राप्त हुई, पूरा जीवन बदल गया। विश्व के कोने कोने से असंख्य महाराज जी के भक्त हैं, महाराज जी की कृपा दृष्टि से आज उनको ऐसी भक्ति प्राप्त हुई है कि महाराज जी के गुणगान करते उनके जो ओष्ठ हैं वो नहीं थकते, उनका हृदय महाराज जी का गुणगान करते करते नहीं अघाता। इतने इतने दयालु हैं महाराज जी। आप मन तो बनाइए, मन से तैयार होना होगा। कैसे होगा? मन से होगा, आपको हृदय से तैयार होना होगा, हृदय से महाराज जी को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। कोई मुश्किल कार्य नहीं है। महाराज जी के नाम से पूरे विश्व में उनके इतने असंख्य भक्त हैं, आप किसी के भी सानिध्य में आ जाइए, महाराज जी की अनन्य भक्ति आपको कैसे भी प्राप्त हो जाएगी, कहीं से प्राप्त हो जाएगी, कोई और छोर नहीं है, कोई पार नहीं है। मेरे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर महाराज जी के एक छवि चित्र से बदलाव आ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी कृपा मुझे देनी थी, उन्होंने मुझे अपनी भक्ति प्रदान करनी थी, कोई भी माध्यम आ गया था। वर्षों से महाराज जी के छवि चित्र को देख के इतना जरूर पहचानता था मैं कि ये महाराज जी बहुत पूजनीय है, लेकिन कृपा तब प्राप्त हुई जब उन्होंने मेरे जीवन में एक छोटी सी घटना की, उनके छवि चित्र से मुझे ऐसी भक्ति प्राप्त हुई कि महाराज जी के गुणगान करते मैं ऐसे विशेषांक को ना जाने कितने समय सीमित तक तैयार कर सकता हूं। महाराज जी के विषय में पूरे दिनों दिन मैं बात कर सकता हूं आपसे। इतने दयालु महाराज जी हैं। आप आइए तो सही, मन तैयार करिए, मन से व्यक्तिगत तौर पर आपको प्रबल इच्छा जागृत करनी होगी। किसी के कहने से, किसी के सुनने से नहीं होगा यह कार्य,
आपको अगर भक्ति प्राप्त करनी है, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करना है, उनकी कृपा जीवन में चाहते हैं, तो आप अपने मन से स्वयं एक प्रश्न पूछिए, क्या महाराज जी के पास आप जाना चाहते हैं, महाराज जी की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? आपका हृदय जिसमें महाराज स्वरूप की पूरी छवि चित्र, महाराज जी स्वयं आपके हृदय में वास करते हैं, आपको प्रत्युत्तर अपने हृदय से प्राप्त हो जाएगा और निश्चित तौर पर भक्ति उसी समय आपको प्राप्त हो जाएगी। आपसे मैं दावा करता हूं कि यदि आप इस प्रकार से सोचते हैं, अपने आप को स्वयं तैयार करते हैं, निश्चित तौर पर आपको महाराज जी की ऐसी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी कि आप महाराज जी को पल पल क्षण क्षण उनका छवि चित्र आपके नेत्रों में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में, संपूर्ण शरीर में प्राप्त हो जाएगा। और जिसको ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाएगी उसके लिए जीवन में कुछ भी मूल्यवान नहीं है, सबसे मूल्यवान है महाराज जी की भक्ति। तो आज से, अभी से अपने हृदय को तैयार कीजिए, मन में भक्ति का भाव लेकर आइए। कोई ताकत नहीं है, इस विश्व की कोई ताकत नहीं है जो महाराज जी के नजदीक आने से आपको रोक सके। महाराज जी तो एक पुकार पर ना जाने कहां से आपके जीवन में वास करना प्रारंभ कर देंगे। महाराज जी को पुकारिए तो सही, महाराज जी कहते हैं मेरा अनन्य भक्त मुझे एक बार पुकार ले हृदय से, मैं स्वयं को नहीं रोक पाता हूं, उसके जीवन में शामिल हो जाता हूं, उसकी कठिनाई को अपने ऊपर ले लेता हूं और सुगम जीवन उसको प्रदान करता हूं, सुख समृद्धि सद्बुद्धि जीवन में सफलता, ये सब आपके मित्र बन जाएंगे। महाराज जी को हृदय से पुकार लीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन में आपको वे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आपने कभी मस्तिष्क में सोचा तक नहीं था। इससे बड़ी बात आपको जीवन में कोई नहीं बता सकता। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आप जरूर महाराज जी की भक्ति को आकर्षित करेंगे, निश्चित तौर पर महाराज जी आपका कल्याण करेंगे, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।